बॉलीवुड के वेटरन एक्टर और महान लेखक कादर खान का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कादर खान का जन्म अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अब्दुल रहमान खान के घर पर हुआ था। पिता अफगान मूल के थे तो माँ बलूचिस्तान के तहत आने वाले पिशन की रहने वाली थी। कादर खान काकर जनजाति से थे और पूरी तरह से पश्तून थे। कादर खान दरअसल असली काबुली वाला थे, जिन्होंने अपनी कहानियों और अपने अभिनय से 4 दशक तक बॉलीवुड के रंगमंच को रोशन किया था। कादर खान ने पर्दे पर आपको बहुत हंसाया, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें देखी। एक स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर उन्होंने अपना करियर शुरू किया और फिर कॉमेडी में अपना सिक्का जमाया। कादर ने 250 से ज्यादा फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी और 400 के करीब फिल्मों में अभिनय किया। काबुल में जन्मे कादर का बचपन एक बुरे सपने से कम नहीं था। उनके 3 भाई थे और तीनों की मृत्यु 8 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते हो गयी। उनका परिवार इसके बाद भारत आ गया और मुंबई की झुग्गियों में रहने लगा। कादर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने वेश्यावृत्ति से लेकर ड्रग स्मगलिंग और मर्डर तक अपनी जिंदगी में देखा है।